गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन द वर्चुअल क्लास ऑफ सीरीज ऑफ द टेंसेज। एज वी वर स्टडिंग अबाउट टेंसेज एंड रिसेंटली वी हैव कंप्लीटेड अ टेंस दैट इज प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स वी हैव स्टडीड ऑल फोर कंडीशंस लाइक इंडेफिनेट, परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस ऑफ प्रेजेंट टेंस। Now we are going to start past indefinite tense, or you can say simple past tense. So the condition of simple past tense, that is the tense which shows recently done activities of in past. The tense which shows the recently done activities in past means those works which are completed and done but in recent past. An action which is happened at a specific point in time and some action, कुछ ऐसा काम जो अभी एक निश्चित समय पर हुआ हो, कोई एक ऐसा काम जो किसी एक निश्चित समय पर हुआ हो, and some repeated action in the past, और past के कुछ ऐसे action जो ऐसे कार्य जो हम क्या करते हैं, जिनको हम बार बार repeat करते हैं, दोहराते हैं। जैसे first sentence is there, I wrote a letter. So it is showing I wrote a letter, इसमें लिखने का काम हुआ है, मैंने लिखा है। तो ये कब किया है मैंने काम, I wrote a letter means अभी इस काम को किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। Second sentence is there, he went yesterday. Now yesterday is there, it means it showing the specific point of time, in time. ये specific point एक निश्चित समय की, ये work कब कंप्लीट हुआ है, yesterday को, कल का कंप्लीट हुआ ये work है। Now she danced every day. What it is showing? It is showing that the action which has been done, it is repeated action of the past. ये past का कैसा action है? Repeated है, बार बार दोहराया जाने वाला। So the condition is that if some work are there which are recently done in past, we use past indefinite tense to denote those actions. If actions are there which happened at a specific time, we use past indefinite tense to denote those actions, and some activities, repeated activities, or you can say some activities which we repeat again and again in the past, for those denoting those activities we also use past indefinite tense. यदि हम हिंदी के वाक्य को देखते हैं, इफ वी गो थ्रू द हिंदी सेंटेंसेस, सो वी विल फाइंड हमको मिलता है, क्या मिलेगा, इन द लास्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंस, हिंदी वाक्य के अंत में लगा होगा ता था, ती थी, ते थे, या तो इसमें आएगा आ, ई, ए, ये सारे वाक्य लगे होंगे बिल्कुल अंत में हिंदी सेंटेंस के। जैसे वह पढ़ता था, ही रेड, वह लिखता था, ही रोट, वह खेलता था, ही प्लेड। So framing of the sentences, pay attention, we are using she danced, I wrote, you went, yeah, he went. So we are using the second form of the verb. Which one? Main verb ki kaun si form? Second form hum use kar rahe hain main verb ki. Affirmative means subject, verb, object and verb is in second form. अब हम कौन से यूज करेंगे वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। इन नेगेटिव में क्या करेंगे, नेगेटिव में सब्जेक्ट, डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन जब वाक्य नकारात्मक होगा, जब नेगेटिव सेंटेंस होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम यूज करेंगे ऑक्सिलरी डिड। तो सब्जेक्ट जब ऑक्सिलरी डिड यूज कर लेंगे, तो देन वी आर अलाउड टू यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तब हम लोग कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, केवल फर्स्ट फॉर्म। जैसे अगर आपको ये कहना है वह गया, तो आप बोलते हैं ही वेंट। अगर आपको कहना है वह नहीं गया, तो आप क्या बोलेंगे, ही डिड नॉट गो। क्यों? क्योंकि वेंट थी सेकंड फॉर्म। अब वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, तो हम यूज करेंगे गो। इंटरोगेटिव देखिए स्ट्रक्चर, डिड, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, डिड, जब इसमें क्या से स्टार्टिंग होगी। जैसे लिखा है, क्या मोहन पढ़ता था,
तो हम पहले सबसे क्या लगाएंगे, डिड, डिड मोहन रेड इन फर्स्ट फॉर्म, रीड, डिड मोहन रीड, इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्या सोहन खेलता था, तो डिड सोहन प्ले। अब अगर उसमें नेगेटिव लगा हुआ है, सेंटेंस जो है, वाक्य जो है वो नकारात्मक है, तो हम कैसे फ्रेम करेंगे। अगर ये कह रहा है क्या अध्यापक तुम्हें नहीं पढ़ाते थे, क्या अध्यापक तुम्हें नहीं पढ़ाते थे, तो डिड द टीचर नॉट टीच यू। अब ये जो नॉट आया है वो कहाँ पे आया है, यहाँ पे आया डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट, देन आफ्टर नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट यूज़ करेंगे, देन आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन द लास्ट विद क्वेश्चन मार्क। सो दीज आर द सेंटेंसेस, दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच वी हैव टू यूज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एंड वन थिंग इज देयर, वन मोर कंडीशन, एक कंडीशन है जिसमें हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट, हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट, वी हैव टू यूज यूज्ड टू, वी हैव टू यूज यूज्ड टू फॉर द हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट, वी हैव टू यूज यूज टू, ओके ओवर हियर यूज टू, इट इज ऑल्सो एन ऑक्सिलरी वर्ब, बट आई टोल्ड यू व्हेन आई वॉज टीचिंग ऑक्सिलरी, देन आई टोल्ड यू दैट दिस यूज टू एंड हैज टू हैव टू आई विल टीच यू इन ट्रांसलेशन, सो हैज टू हैव टू हैड टू आई हैव टोल्ड यू एंड नाउ यूज टू, इट शोज द हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, पास्ट यानी भूत भूतकाल का कोई ऐसा कार्य जिससे आदत का होना प्रकट हो, जिससे क्या होना प्रकट हो, आदत, जिससे ये पता चले कि हाँ ये आपकी क्या थी, आदत थी। जैसे वह प्रत्येक रविवार को गिरजाघर जाया करता था, वह प्रत्येक रविवार को गिरजाघर जाया करता था, ही यूज टू गो टू द चर्च एवरी संडे। इससे ये पता चलता है कि हर एक रविवार को गिरजाघर जाना उसकी आदत में शामिल था, ये उसकी आदत थी। ऐसे ही जैसे पिताजी रोज़ सुबह उठ जाया करते थे, फादर यूज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह मुझे रोज़ पढ़ाया करते थे, ही यूज़ टू टीच मी डेली, लाइक दैट। तो जो सेंटेंस जिन वाक्यों से आदत का होना प्रकट हो उनको हम फ्रेम करेंगे यूज़ टू, टू से। कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन यूज़ टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे यूज़ टू का। तो अब एक बात आती है, अगर कोई ऐसा वाक्य आपके पास आ जाए, सामने आ जाए, जिसमें नेवर का प्रयोग करना पड़े आपको, नेवर मीन्स कभी नहीं, किसी भी ऐसे वाक्य में जिसमें आपको यूज़ करना पड़े नेवर, तो हम क्या करेंगे। अब इसमें आपकी ऑक्सिलरी डिड तो आई नहीं, तो जब ऑक्सिलरी डिड नहीं आई उसकी जगह पे नेवर आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको फर्स्ट जो आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इससे फ्रेम करेंगे। सपोज अगर आपका सेंटेंस आपके सामने है, मैंने झूठ कभी नहीं बोला, कभी नहीं है तो जाहिर सी बात है हम डिड नॉट यूज़ नहीं करेंगे, हम कभी नहीं के लिए डायरेक्ट एक वर्ड आता है नेवर, तो हम नेवर यूज़ करेंगे, क्या हो जाएगा, मैंने झूठ कभी नहीं बोला, आई नेवर टोल्ड अ लाई, आई नेवर टोल्ड अ लाई, क्योंकि इसमें डिड नहीं आया है। अगर आप इसमें डिड लेके आते हैं, मैंने कभी नहीं झूठ बोला, सो आई डिड नॉट टेल अ लाई एवर, तो आपको इसमें एवर लगाना पड़ेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन अगर आप इसमें नेवर यूज़ करेंगे, सो आई नेवर टोल्ड अ लाई, तब हम आप क्या यूज़ करेंगे इसमें, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर वाक्य में क्या आ जाता है, कभी नहीं अगर आ जाता है, तो हम सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सो दिस वॉज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपको कोई डाउट हो, इफ़ यू हैव एनी डाउट, सो आफ्टर वॉचिंग वीडियो यू कैन आस्क मी, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो यू कैन आस्क मी any question, any query, anything, you can ask me directly. So I think it's enough for today. In next video, we will cover
next condition of tense. Okay, so thank you and have a nice day.